स्वयं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पौनपनी चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधान आचार्य पूज्य श्री शिवमणि जी महाराज साहब, संघ गौरव उपप्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पौनपनी चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय समादरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री सूत्र कृतांग सूत्र की विभिन्न गाथाओं और सूक्तियों के माध्यम से। आगे अन्य सूत्र में आगमकार ने कहा है, जे क्षेयम से विपमायम न कुज्जा, इसका अर्थ अभिप्राय है चतुर वही है जो कभी प्रमाद ना करे। चतुर वही है जो कभी प्रमाद ना करे। बाह्य लौकिक जीवन के अंदर चतुर उसको कहते हैं जो सामान सस्ता लाए, चार दुकानों पे जाए, कम रेट में लाए, रेटों को कम कराने के लिए बार्गेनिंग करे और कोई अच्छा काम बाहर का करके आ जाए, उसको चतुर कहते हैं। लेकिन धर्म दृष्टि से उसको चतुर माना है कि धर्म के क्षेत्र में, जीवन के व्यवहारिक क्षेत्र में जो प्रमाद नहीं करता। मैंने पहले भी आपको कहा था प्रमाद क्या है। प्रमाद केवल मात्र सोना या इधर उधर बैठ जाना ही नहीं है, इसका मतलब है मद्य। तो शराब सहित अनेक प्रकार का नशा करता है प्रमाद है। जो विषयों में हर समय तल्लीन रहता है, ये सुन लूँ, ये देख लूँ, ये सूंघ लूँ, ये खा लूँ, ये स्पर्श का आनंद ले लूँ, वो प्रमाद है। और इसी प्रकार जो लगातार क्रोध मान माया लोभ आदि में लगा रहता है, विषयों में लगा रहता है, तो वो प्रमाद है। मर्यादा से अधिक नींद का लेना, मर्यादा से अधिक नींद का लेना, ये भी प्रमाद है। और वी कथा की ऐसी कथा कहानी किससे जिनके पढ़ने सुनने देखने से मन खराब होता हो, मन के अंदर दूषित विचार आते हो, अश्लीलता आती हो, वो भी कथा है। तो ये सारे जो पांचों चीजें बतलाई गई, जो इनका सेवन करता है वो प्रमादी है, और जो सेवन नहीं करता, इनसे दूर विपरीत जा रहा है, वो अप्रमाद है। तो कहा है चतुर वही है जो कभी प्रमाद नहीं करता, प्रमाद का सेवन नहीं करता। हमारे यहाँ पर बार बार गणधर गौतम स्वामी जी को भगवान महावीर ने कहा, संयम गोयम मा पमाया, संयम गोयम मा पमाया, ये बार बार चेतावनी थी कि हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या गौतम स्वामी प्रमादी थे जो भगवान बार बार कहते थे। नहीं, वो केवल ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी गौतम के माध्यम से प्राणी मात्र को प्रेरणा दे रहे थे, मनुष्य मात्र को प्रेरणा दे रहे थे, भैया जीवन में प्रमाद का सेवन नहीं करना, प्रमाद को अपने जीवन में स्थान नहीं देना। तो यह कहा है चतुर वही है जो कभी प्रमाद ना करे। जो प्रमाद का सेवन करता है, समझो कि वह चतुर नहीं है, वो अपने जीवन को पतन की ओर लेकर के जा रहा है। आगे अन्य सूत्र में कहा, कहम कहम वा विति गिच्छ तिन्ने, इसका अर्थ अभिप्राय है मुमुक्षु को कैसे ना कैसे मन की विचिकित्सा से पार हो जाना चाहिए। मन की विचिकित्सा से पार हो जाना चाहिए। मुमुक्षु मोक्ष को चाहने वाला, वो साधु भी हो सकता है और ग्रस्त भी हो सकता है। मुमुक्षु कैसे ना कैसे, यानी किसी ना किसी प्रकार से विचिकित्सा को पार हो जाना चाहिए, इससे पार हो जाना चाहिए। विचिकित्सा क्या है? साधना के मार्ग पर उसके फल के बारे में शंका करना, उसके फल के बारे में शंका करना कि मैंने तपस्या करी, पता नहीं तपस्या का कोई फल है या नहीं। मैं सामायिक करता हूं, प्रतिक्रमण करता हूं, इसका फल पता नहीं है या नहीं। इतनी मैंने साधना करी, इसका पता नहीं क्या परिणाम मिलेगा या नहीं मिलेगा।
मोक्ष स्वर्ग नरक पता नहीं है या नहीं, तो इसलिए शंका करना ये है वितिगिच्छा। तो कहा है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला साधक कैसे ना कैसे करके मन में भी चिकित्सा को दूर कर दे, उससे पार हो जाए, मन में शंका ना रखे। शंका क्यों आती है? शंका आती है ज्ञान की कमी की वजह से। किसी चीज को हमने ढंग से जाना नहीं, समझा नहीं, और मन में जो है शंका आ जाती है। अब आप लोग यदि जैन तत्व ज्ञान को ढंग से पढ़ लें, जान लें, समझ लें, स्वाध्याय कर लें, तो आपके मन में शंकाएं दूर हो जाती हैं, बल्कि आपके अंदर दृढ़ विश्वास पैदा हो जाता है। तो दृढ़ विश्वास को पैदा करना है और शंका यानी विचिकित्सा को छोड़ देना है। आगे कहा है सूर्योदय पासति चक्षुणेव, इसका अर्थ अभिप्राय है सूर्य उदय होने पर आँख के बिना नहीं देखा जाता है। सुबह दिन निकल गया, सूर्य उदय हो गया, अब किसी को जन्म जात ना दिखता हो या बाद में किसी बीमारी की वजह से आँख की रोशनी चली गई हो, तो उसके लिए दिन निकला ना निकला एक जैसा ही है। तो कहा कि सूर्य उदय होने पर आँख के बिना नहीं देखा जाता है, वैसे ही स्वयं में कोई कितना ही चतुर क्यों ना हो, स्वयं में कोई कितना ही चतुर क्यों ना हो, निर्देशक गुरु के अभाव में तत्व दर्शन नहीं कर पाता। अब बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, भारतीय संस्कृति में ऐसी धारणा है कि गुरु के बिना गति नहीं है, गुरु प्रकाश देने वाले हैं, गुरु मार्गदर्शक हैं, गुरु रास्ता दिखाने वाले, गुरु रहबर हैं। किसी हद तक ये बात सत्य है कि जीवन में कोई मार्ग दिखाने वाला होना चाहिए। तो यहाँ किसको कहा है? गुरु को। तो कहे कि निर्देशक, निर्देशक कहते दिशा देने वाला, मार्ग बतलाने वाला। निर्देशक गुरु के अभाव में तत्व दर्शन नहीं होता। अब फिल्म बनाने वाला एक निर्देशक होता है, तो जो फिल्म निर्देशक होता है उसके दिमाग में एक पिक्चर रही होती है, एक कल्पना होती है कि वो बहुत सूक्ष्मता के साथ सोचता है, विचार करता है, मंथन करता है, फिर उसको अपने डायरेक्शन में, निर्देशन में सबको बतलाता है कि सीन ऐसे होने चाहिए, पहनावा ऐसा होना चाहिए, म्यूजिक पुराने टाइप का दिखाना है, लोकेशन पुरानी दिखानी है, या तुम्हें जंगल दिखाना है, या तुम्हारे को हवेली दिखानी है, या ये बोलना है, इस ढंग से बोलना है। तो निर्देशक के दिमाग में चीज पलती है, वो योजना बनाता है। तो गुरु भी अपने निकट आने वाले अपने शिष्य का, और शिष्य केवल मात्र साधु साध्वी ही नहीं, ग्रस्त के लोग जो भी आते हैं उनको भी वो मार्गदर्शन देते हैं। अब हमारे पास कोई व्यक्ति एक बार दो बार आया, कहते हैं मार्गदर्शन कर दो, तो उससे बात नहीं बनती, सतत लगातार संपर्क में रहना होता है। गुरु फिर सामने वाले की क्षमता को, मानसिकता को, ग्रहण करने की ताकत को, समझ को परखता है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। और ऐसा नहीं कि लोग नहीं सीखते, आज भी सीखते, पहले भी सीखते थे। तो निर्देशक यानी गुरु का मार्गदर्शन ये आवश्यक है। तो बिना गुरु के मार्गदर्शन के आप कितने चतुर हो, कितनी बाहर की बुद्धि लड़ाने वाले हो, कितनी आपकी जनरल नॉलेज अच्छी हो, उससे आपकी आत्मा के विकास का, अध्यात्म के विकास का कोई लेना देना नहीं है। कल मैंने पढ़ा भी और लोगों को प्रेषित भी मैंने किया, एक जैन महिला ने अपना अनुभव शेयर किया कि मेरे माता पिता में एक अग्रवाल बनिए जैन जिनको बोल देते हैं, और दूसरा कोई आहूजा थे पंजाबी खत्री, जिनका जैन धर्म से कोई लेना देना नहीं। उनकी लव मैरिज हो गई, लड़की को पढ़ाने लग गए, लड़की के पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएशन होने से पहले किसी जैन परिवार का कोई रिश्ता आ गया और वह लड़की जो है जैन परिवार में चली गई। जैन परिवार धार्मिक था,
आसपास में किसी जैन मंदिर में उनका आना जाना चालू हो गया। इसी बीच में कोई दिगंबर माता जी, जिनके हमारे साधु ही कहते, उनके माता जी बोल देते हैं, आर्या बोल देते हैं, उनका चातुर्मास हुआ। साध्वी जी ने कहा कि वो चातुर्मास में तिलोय पन्नति नाम के ग्रंथ का स्वाध्याय होगा, आया करो। वो बहू भी, उस परिवार की जो बहू थी, वो भी जाने आने लग गई। परिवार वालों ने टोका टाकी करी नहीं, तिलोय पन्नति को सुना तो जैन धर्म के प्रति और जिज्ञासा पैदा हो गई। फिर माता जी ने कोई ग्रंथ जाते जाते इंग्लिश में था, कहा कि मेरे पास तो इसे पढ़ना आता नहीं इंग्लिश, आप पढ़ लेना। तो बहू ने पढ़ लिया। अब उसे जैन धर्म को जानने की इच्छा पैदा हो गई। फिर जिसने वो इंग्लिश की किताब लिखी थी उसका कॉन्टैक्ट नंबर था, उनसे बात करी कि मैं और समझना चाहती हूँ जैन धर्म के बारे में, और जिज्ञासा पैदा हुई। और देखते ही देखते उन्होंने जैन धर्म में जैनोलॉजी के अंदर बीए किया, एमए किया, और बीए एमए करके फिर वो पीएचडी डॉक्टरेट तक कर गई और जैन धर्म की आज एक अच्छी विदुषी बन गई है। और पॉडकास्ट बोलते हैं बोल करके कोई संदेश देना, तो एक अच्छे चैनल के साथ जुड़ करके पॉडकास्ट का काम भी करे जिसमें धर्म अध्यात्म जैनिज्म की बात वो कर रही है। तो इतना जो प्राप्त हुआ, किसी ने गाइड किया, मार्गदर्शन दिया तो हो गया। तो मार्गदर्शन की बड़ी भूमिका होती है। तो गुरु जो हैं वो मार्गदर्शक होते हैं, रास्ता बतलाने वाले होते हैं। तो सबके जीवन में मार्गदर्शन देने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। कई घर परिवारों में एक परंपरा होती है कि हमारे कुल परंपरा से गुरु हैं। तो कुल परंपरा से गुरु हैं, इसमें थोड़ी सी एक गड़बड़ सी रहती है। भाई आपके पिताजी दादाजी ने जिनको गुरु माना था, उन्होंने ना जाने अपने ज्ञान और साधना के द्वारा उनको कितना मार्गदर्शन दे दिया। तो जरूरी थोड़ी ना कि महान गुरु के जो पोत्र शिष्य पड़पोत्र शिष्य हैं वो भी उतने समझ वाले इतने ज्ञान वाले होंगे। लेकिन खास तौर पर हमारे राजस्थान में, और उसी का असर पूरे साउथ में है, कि कुल परंपरा से जो है ये हमारे गुरु, ये हमारे गुरु, ये हमारे गुरु। थोड़ा गुरु बनाने से पहले ये देख लें कि जिसको परंपरा से मान रहे हैं उनमें बाद वालों में उतनी क्वालिटी है या नहीं। गुरु का मतलब है ज्ञान संपन्न, अनुभव संपन्न, विवेक संपन्न, और जीवन में गंभीरता हो और वो आपका मार्गदर्शन करें। वो जरूरी नहीं है कि उसी टोले या उसी परंपरा के हों, चेंज भी हो सकते हैं। खैर, मैं कोई सीए नहीं कहना चाहता कि कोई मेरे से जुड़े, मेरा वो लक्ष्य है भी नहीं। लेकिन बात की बात है कि मार्गदर्शक वो हो जो ज्ञान संपन्न, अनुभव संपन्न, विवेक संपन्न, व्यवहार संपन्न हो और जो औरों का मार्गदर्शन करने में समर्थ हो। तो जीवन के अंदर गुरु के बिना, मार्गदर्शक के बिना धर्म अध्यात्म का मार्ग आगे नहीं बढ़ता। आगे अन्य सूत्र में कहा है न यावि पन्ने परिहास कुज्जा। इसका अर्थ अभिप्राय है कि बुद्धिमान किसी का उपहास नहीं करते, बुद्धिमान किसी का मजाक नहीं बनाते, उपहास नहीं करते। इसमें दो तरफा बातें हैं, साधु है तो वो भी मजाक ना बनाए, कोई गृहस्थी श्रावक श्राविका है तो वो भी किसी की मजाक ना बनाए, किसी के रंग को, किसी के आकार प्रकार को, किसी के चाल ढाल को, किसी के तुतलाहट और हकलाहट को, किसी के कम ज्ञान को लेकर के उसकी मजाक ना बनाए, उपहास ना कर। एक बार की बात है, एक अच्छे आगम शास्त्र के ज्ञाता संत किसी स्थानक में विराजमान थे, हम भी वहीं पर थे। तो कुछ लोग भी बैठे थे, कुछ संत भी बैठे थे, किसी प्रसंग पर किसी के बारे में मजाक की गई, व्यंग किया गया, हंसी ठट्ठा किया गया। बड़े गंभीर होकर के उस आगमकार संत ने कहा नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे करने से, किसी की मजाक बनाने से अपने कर्म का बंधन होता है। वो तो बेचारा किसी कर्म की वजह से ऐसा भोग रहा है और तुम हंस रहे हो, एक अच्छी बात नहीं है, थोड़ा गंभीरता रखा करो। तो बात दो तरफा है कि साधु हो या गृहस्थी हो,
तो कहा बुद्धिमान किसी का उपहास नहीं करते, नहीं करना चाहिए। कहा बुद्धिमान, और जो मजाक करते हो क्या है, बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है, पागल है, जो दूसरों की मजाक बनाते हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में तो एक दूसरे राजनीतिक दलों और व्यक्तियों की मजाक बनाई जाती है, लेकिन उनको छोड़ दो। बात धार्मिक लोगों की चल रही है कि धर्म के क्षेत्र में बुद्धिमान साधक किसी का उपहास मजाक ना बनाए। फिर कहा है नो छाये नो विय लुस एज्जा। इसका अर्थ अभिप्राय है उपदेशक सत्य को कभी छुपाए नहीं और न ही उसे तोड़ मरोड़ कर उपस्थित करे। उपदेशक, उपदेशक कौन, प्रवचन का उपदेश देने वाले, व्याख्यान देने वाले, कथा करने वाले। कथा थोड़ा हल्का शब्द बन जाता है। अब हम यहाँ कोई आपको कथाएं थोड़ी ना सुना रहे राजा रानी की या फला की फला की। कथाकारों का स्वरूप थोड़ा सा अलग रहता है, प्रवचनकार व्याख्याकारों का स्वरूप थोड़ा सा ऊपर होता है, श्रेष्ठ होता है। वो व्याख्याओं के द्वारा, उपदेशों के द्वारा बड़े सांस्कृतिक धार्मिक अनेक प्रकार के मर्म की चीजों खोल खोल के आपको समझाते हैं। तो कहा कि उपदेशक सत्य को कभी छुपाए नहीं। अब देखिए आगमों के अंदर हम पढ़ते हैं, उन्हीं बातों को आपके सामने सुनाते हैं। अब मान लो हम लोग कुछ चीजों को आपसे छुपाने लगे कि फला फला विषय सुनाने ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। हमारा काम है साधु का आचार पक्ष हो चाहे श्रावक का आचार पक्ष हो, कुछ भी ऐसी चीजें हैं उनको छुपाए नहीं, उन सबको जो है आपको सरल भाषा में सुनाए। अब मान लो कोई खास बात है, खास बात का उदाहरण देता हूं। मान लो हम सब ने प्लानिंग से विचार करा, बहुत हो गई अहिंसा अहिंसा, अब अहिंसा की बातें सुनानी बंद कर दो, तो 10 साल में 12 साल में पूरे समाज के अंदर हिंसा और अहिंसा की जो समझ है वो दिमाग से निकलनी शुरू हो जाएगी और आप उस चीज से वंचित होते 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 वो संस्कार आपके नष्ट हो जाएंगे। बहुत सारे लोग, एक शब्द आता है सांस्कृतिक आक्रमण। सांस्कृतिक आक्रमण क्या होता है, इनके मंदिर हटा दो, इनके धर्म स्थान हटा दो, इनके ग्रंथों को हटा दो, इनके ग्रंथों को नष्ट कर दो, वो सांस्कृतिक आक्रमण है। तो अगली पीढ़ी उन चीजों से वंचित हो जाती है और वो उनको देखते नहीं, जानते नहीं, पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, तो बात खत्म हो गई। तो सांस्कृतिक वातावरण तो पूरे प्लानिंग के साथ किया जाता है। अभी तालिबान वाले जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, पूरे अफगानिस्तान में जहां जहां सुंदर सुंदर महिलाओं और लड़कियों के पोस्टर थे, जो मॉडल्स होती हैं किसी कंपनी का प्रचार करती हैं, उनको हटा रहे हैं या काला रंग पोत रहे हैं। अब उसके पीछे सोच क्या है, नहीं महिला को तो पर्दे में रहना है, बाहर आना ही नहीं है, और इनको तो बिल्कुल घरों में कैद रहना चाहिए, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, इनको शॉपिंग के लिए मार्केट में निकलने का अधिकार नहीं है, निकलें तो ढक के निकलें, अपने पति या भाई या पिता के साथ निकलें, पराए पुरुष के साथ मिल गए तो गोली मार देंगे। वो उनका अपना एक सांस्कृतिक उनका सोच है। लेकिन यहाँ जो बात है कि कोई महत्वपूर्ण बात है, सबके सुनने वाली बात है, उसको सबको बतलाए, छुपाए नहीं, और इसलिए भी ना छुपाए फला प्रकार का आचरण मेरे जीवन में नहीं है तो मैं इसको सुनाऊं ही नहीं, मैं उसका आचरण करता नहीं तो मैं क्यों सुनाऊं, फिर इन लोगों को मालूम पड़ेगा, ये मेरे बारे में सोचेंगे, महाराज में तो फला आचरण की कमी है, ये कह दे भगवान ने तो ये कहा है, हम उसका पालन नहीं कर पा रहे, हमसे नहीं हो रहा। वो अपनी व्यक्तिगत कमजोरी हो सकती है, लेकिन भगवान ने जो कहा है उसको साफ साफ कहे कि हाँ उनका उपदेश तो ये है। फिर कहा है
न ही उसे तोड़ मरोड़ करके पेश करे। तोड़ मरोड़ करके पेश करने का काम बौद्धिक दृष्टि से कम ज्यादा मात्रा में अक्सर चलता है, लेकिन फिर भी बहुत अधिक तोड़ मरोड़ करके पेश ना करे। तो इस प्रकार बड़ा ये विषय बड़ा डिस्कस का और गहराई का है, और इसको हर आम आदमी जल्दी से नहीं समझता है। आगे कहा है, नो तुच्छ है नो ये विकथ इज्जा, नो तुच्छ है नो ये विकथ इज्जा। इसका भी प्राय है कि साधक न किसी को तुच्छ हल्का बतलाए और न किसी की झूठी प्रशंसा करे। अब हम लोग प्रवचन देते हैं, पूरे देश भर में विचरण करते हैं, तो हम किसी व्यक्ति को, किसी समुदाय को या किसी खास क्षेत्र को तुच्छ कहें, हल्का कहें, उनको बुरा कहें, हमें ये भी नहीं करना, और ना किसी की झूठी प्रशंसा करना। अब ये झूठी प्रशंसा वाला काम करना ही नहीं चाहिए। लेकिन कई बार मैं क्या देखता हूं, आजकल एक ट्रेंड चल गया कि महाराज फला की मृत्यु हो गई, उठावने में थोड़े से दो शब्द बोल देना, महाराज फला की मृत्यु हो गई, श्रद्धांजलि का पत्र भेज देना। बस कारण क्या है, या तो वो संपन्न है या संपन्न नहीं भी है, फला का रिश्तेदार है वो संपन्न है, महाराज लिख देना, महाराज भेज देना, महाराज बोल देना। अब लोक व्यवहार में बिना जाने बिना परिचय के उसमें गुण नहीं कुछ नहीं, दो शब्द बोलने हैं। अब साधु फिर कहते हैं यार फला फला नाराज ना हो जाए, इसलिए दो शब्द बोलने, बहुत धार्मिक थे, बड़े व्यवहार कुशल थे और बड़े ऐसे थे, बड़े गुरु भगत थे। अब चाहे कभी गुरु के दर्शन ना कर, कभी एक सामायिक ना करी हो। तो झूठ बोलने के लिए कई बार आप लोग मजबूर कर देते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार का काम साधु को नहीं करना, साधु को नहीं करना। हम भी कई बार अपने आप को बड़ी फंसी हुई परिस्थिति में महसूस करते हैं कि कभी धर्म स्थान में आया नहीं, बस बोलना है, बोलना है, लोगों को, परिवार वालों को खुश करना है। तो ये उचित नहीं है। लेकिन कई बार इसको लोग कहते हैं महाराज एक व्यवहार है। व्यवहार किस प्रकार का, उसका एक ही फायदा हो सकता है, उस परिवार के प्रमुख के बारे में दो अच्छे शब्द बोले तो उनके बेटे बहू पोते पोती देवता देवती भांजे भांजी वगैरह वगैरह, उनमें एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि धर्म समाज से जुड़ोगे तो कहीं तुम्हारे बारे में एक अच्छी धारणा बनेगी, और नहीं जुड़ोगे तो लोग तुम्हारे को क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं समझेंगे। तो एक सामाजिकता का टच आ सकता है, इससे ज़्यादा कोई लाभ आत्मा की दृष्टि से लाभ होगा ऐसा कोई विशेष नहीं है। फिर भी साधु के लिए कहा है कि प्रवचन में तुलना करके किसी को कम बतलाए, किसी को ज़्यादा बतलाए, ऐसा काम ना करे। केवल श्रावक को खुश करने के लिए प्रवचन में झूठी प्रशंसा ना करे। अब हम तो ऐसा काम करना बंद कर दिया, बहुत सारे करते हैं, अरे ये आया है दो शब्द बोल दो, पैसे वाला है खुश हो जाएगा, दान दे देगा, हमारे से जुड़ जाएगा, इसका स्वागत करवा दो। तो ये जो टोटके हैं, ये टोटके बहुत लंबे समय ज़्यादा चलने वाले नहीं हैं। आज की जो नई पीढ़ी है वो वास्तविकताओं को ज़्यादा समझने की कोशिश करने वाली है, तो इसलिए हमारे को ऐसा नहीं करना। अगला सूत्र कहा है, विभज्यवायम ने व्याघ्रेज्जा, विभज्यवायम ने व्याघ्रेज्जा। इसका मतलब है विचारशील पुरुष सदा विभज्यवाद अर्थात श्याद्वाद से युक्त वचन का प्रयोग करे। श्याद्वाद कहो अनेकांतवाद कहो, लगभग एक ही बात है। विभज्यवाद का मतलब है एक चीज को अनेक दृष्टियों से देख करके बोलना। अब देखिए हमारे यहाँ पे कहते हैं दर क्षेत्र काल भाव, हर चीज को दर क्षेत्र काल भाव के अनुसार आंकना, समझना, विश्लेषण करना, ये विभज्यवाद है। और हमारे सप्तभंगी का वर्णन आता है, सप्तभंगी क्या है, किसी चीज को देखने के सात तरीके, सात प्रकार,
कि ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, वैसे भी हो सकते है, वैसे भी हो सकती है। इस विभज्यवाद, इस साध्यवाद का जो है ज़्यादातर प्रयोग साइंस के क्षेत्र में तो रिसर्च वाले करते रहते हैं। एक ही चीज़ को अनेक दृष्टियों से देखते हैं, कई प्रकार का विश्लेषण करते हैं। सत्य दृष्टि रखने वाला एकांतवाद की भाषा नहीं बोलेगा, वो अनेकांतवाद की भाषा बोलेगा। और अनेकांतवाद को समझने के लिए इस विभज्यवाद साध्यवाद को समझना आवश्यक है, और जो ऐसा नहीं करता वह अधूरापन रखता है। अब हमारे यहाँ देखिए, द्रव्य हिंसा भाव हिंसा दो दृष्टियाँ हो गई, दृष्टियाँ बहुत हो सकती हैं। तो इसलिए हम जो है किसी चीज को व्यापक रूप से जानने समझने के लिए साध्यवाद को विभज्यवाद को जाने समझे, तो कहा कि साधु का वचन, विचारशील पुरुष का वचन विभज्यवाद साध्यवाद से युक्त तो होना चाहिए, तभी वो सही बात कह पाएगा।